हेलो गाइस, कैसे हो। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हैं और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही रोज़ाना राजस्थान जीके के ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको रोज़ाना राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राजस्थान ने राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। 1951, 1953, 1957 या 1960। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर टू की बात करें, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से सर्वप्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि राजस्थान के अंदर राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से पहला महिला नागरिक सहकारी बैंक जो कि जयपुर के अंदर स्थापित किया गया, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें, राजस्थान के किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में पहला सहकारी मिनरल वाटर प्लांट स्थापित किया गया। राजस्थान के अंदर कौन से जिले के अंदर ग्रामीण यानी गांवों के अंदर पहला सहकारी मिनरल वाटर प्लांट जो कि श्री गंगानगर के अंदर। आप जानते हैं राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा गाँव किस जिले के अंदर है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सहकारी मिनरल वाटर प्लांट जो कि श्री गंगानगर के अंदर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में पहली बार राजस्थान सरकारी समितियां अधिनियम कब पारित किया गया। आज़ादी के बाद में राजस्थान में पहली बार जो है सरकारी समितियां अधिनियम कब पारित किया गया, 1953 के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें, राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वीडियो के अंत में आप सभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग उत्तर जरूर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में ये भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सेवे ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो राजस्थान में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुई थी अजमेर से, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, नवीन सहकारी नियमों के तहत कृषकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तो कौन सी योजना आरंभ की गई है। नवीन सहकारी नियमों के तहत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तो एक योजना प्रारंभ की गई थी, उस योजना का नाम है राजस्थान सहकारी समिति बीमा योजना। ठीक है, इससे कि किसानों को अनुदान भी मिलता है और फसल बीमा भी मिलता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें, राजस्थान में प्रत्येक जिले के सरकारी बैंक का नाम क्या है। राजस्थान के प्रत्येक जिले के सरकारी बैंक का नाम क्या है, तो केंद्रीय सहकारी बैंक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें, राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना कब से प्रारंभ किया गया। राज्य सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना जो कि 2017 और 18 के अंदर लागू किया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करूं, राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना कब से प्रारंभ हुई। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट में बता दो कि राजस्थान में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई, डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी शुरुआत तो 2017 के अंदर हुई थी, जुलाई महीने के अंदर, 19 जुलाई 2017, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, प्रदेश में प्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना 1924 ईस्वी में कहां की गई। राजस्थान के अंदर पहली भूमि बंधक बैंक की, देखिए भूमि बंधक बैंक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न सीधा सा बन सकता है कि 1924 में इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई, तो ये अजमेर के अंदर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, सहकारी समितियों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है। सहकारी समितियों के चुनाव के अंदर, देखिए सहकारी समितियों के चुनाव होते हैं उसके अंदर शैक्षणिक योग्यता फिक्स करने का, देखिए आप जानते हैं थोड़े समय पहले सरपंच के लिए भी योग्यता मांगी गई थी 8वीं पास,
तो उसी तरह से सहकारी समितियों के चुनाव में जब शैक्षणिक योग्यता का जो प्रावधान रखा गया था, तो राजस्थान उस समय जो कितने नंबर था, तो पहला था राजस्थान जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता का अनुदान जो है प्रावधान रखा था कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो सहकारी समितियों का, तो उसके लिए शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सहकारी समितियों द्वारा कृमिकों को भर्ती है तो भर्ती बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य, वही क्वेश्चन है कि सहकारी समितियों द्वारा कृमिकों की भर्ती है तो भर्ती बोर्ड का जो गठन करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है, और हम राजस्थान जीके ही कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्तर तो राजस्थान ही होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, राजस्थान में सहकारी कानून को अस्तित्व में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यूनाइटेड स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्डिनेंस द्वारा सॉरी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, आपको रोजाना ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे बात की ये है कि राजस्थान में सहकारी कानून को अस्तित्व में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑर्डिनेंस की, और ये कब जारी किया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 1948 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, राज्य में महिला नागरिक सहकारी बैंक किन जगहों पे है, राजस्थान के अंदर महिला नागरिक सहकारी बैंक जो कि उपयुक्त सभी यहाँ पे होगा, क्योंकि जयपुर में भी है, उदयपुर में भी है, कोटा में भी है, भीलवाड़ा में भी है, जयपुर होगा, उदयपुर भी होगा, कोटा में भी है, भीलवाड़ा में भी है, तो यहाँ पे चारों उत्तर सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई, राजस्थान में पहली सहकारी समिति 1905 में भिनाई में जो है स्थापित की गई, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं, देश का पहला राज्य कौन सा है जिसने सहकारिता क्षेत्र में सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, आप लोग रट लेना कि इंडिया का पहला राज्य कौन सा है जिन्होंने किसानों के लिए सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना या फिर इसे क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए थे किसानों को या फिर योजना लागू करने वाला, तो राजस्थान ही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, राजस्थान राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी प्रचार प्रसार की सृष्टि से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है। आज के वीडियो में आपको जो भी जो सहकारिता से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में आपको मिलने वाले, और इसका अगला पार्ट भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिलेगा, तो आप लोग रोजाना वीडियो देखिएगा। तो राजस्थान राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी प्रचार प्रसार की दृष्टि से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है, तो सहकार दर्शन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई, राजस्थान के अंदर पहली सहकारी समिति 1905 में स्थापित की गई अजमेर जिले के भिनाई के अंदर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करूं, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान का गठन कब किया गया, राजस्थान सहकारी शिक्षा और इसका प्रबंध संस्थान का जो गठन है वो किया गया 1994 के अंदर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करूं, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की जो स्थापना है वो 26 मार्च 1957 में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, राज्य का पहला साख पत्र सिरसी गांव के किसान राम निवास यादव को कब दिया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राज्य का पहला साख पत्र सिरसी गांव के किसान राम निवास यादव को दिया गया था 1999 के अंदर, 29 जनवरी 1999 में दिया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, राजस्थान में सरकारी तंत्र का ढांचा कितने स्तरीय है, राजस्थान में सरकारी तंत्र का जो ढांचा है वो कितने स्तरीय है, तो त्रिस्तरीय माना जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करूं मैं, राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? राजस्थान के अंदर पहली बार सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में 2 से 3 बार बन चुका है। तो 1953 के अंदर ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम क्या है? राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ का संक्षिप्त नाम है राजफेड, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करूं, राजस्थान में प्रथम सहकारी उपभोक्ता भंडार का गठन कहाँ किया गया? राजस्थान के अंदर पहला सहकारी उपभोक्ता भंडार का जो गठन है वो अजमेर के अंदर किया गया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं, और ये भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए, ईमानदारी से कॉमेंट कीजिएगा। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2016 कब लागू हुआ? राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन अधिनियम 2016 कब लागू हुआ था, सही उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आता तो लाइक करना, और लगातार ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ ही किसी भी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट और राय या सुझाव देना आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।